Hello students, this is class 7, moral science of chapter 2, that is our duties towards our parents, means हमारी duty parents के लिए क्या है. So, before starting the chapter, the word of wisdom. The epitome of selfless love is the love of parents towards their children, means parents का जो love होता है children के प्रति वो बिल्कुल selfless होता है, means वो perfect example है selfless love के लिए बच्चों के लिए. Now let's start the chapter. So children owe to their parents love, reverence and obedience. God has given us parents to keep us on the path of right. Children should love their parents by showing true affection to them, by giving them respect. They should try to decrease the troubles of their parents and help them in their hour of need. Means children jo hai वो अपने पेरेंट्स का कर्ज कैसे चुका सकते हैं, बाय लव, बाय रेवरेंस एंड बाय ओबीडियंसी, मींस प्रेम से उनको रेस्पेक्ट देकर और उनकी बातों को मानकर. ठीक है, और जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए एक मतलब एक अच्छी राह, एक सही दिशा दिखाने का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है. सो दिस इज द पाथ ऑफ राइट. पेरेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द पाथ ऑफ राइट. और इनको हम कैसे इनके प्रति जो लव अफेक्शन कैसे शो कर सकते हैं, बाय शोइंग ट्रू अफेक्शन टू देम, बाय गिविंग देम रेस्पेक्ट. हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए. राजीव फील्स दैट हिज फादर इज वेरी शॉर्ट एंड डार्क. ही डज नॉट वांट टू बी सीन विद हिज फादर व्हेन ही मीट्स हिम ऑन द रोड. ही प्रिटेंड्स दैट ही डज नॉट नो हिम. हाउ डिसग्रेसफुल. Rajiv should realize that even if parents are not cultured, educated or good looking, yet they have given us our life and education. They given us opportunities which they themselves missed. They denied themselves comfort in order that we may have better things in life. No child who serves the opportunities to honor and love his parents can be happy. मीन्स ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, जब वो बहुत अच्छे कुछ ऐसा मतलब ऑफिसर बन जाते हैं या कुछ बहुत अच्छे पोस्ट पर होते हैं, तो कभी कभी जो जिनके पेरेंट्स इलिटरेट होते हैं, अनएजुकेट होते हैं या फिर देखने में हैंडसम नहीं होते, तो कभी कभी बच्चों को शर्म आती है. बट दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो दिस इज नॉट राइट. ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए. सो चिल्ड्रन शुड बी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स. लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स, देयर पेरेंट्स हैव देयर फॉल्ट्स. But we should excuse these shortcomings. We should give them due respect and honor. क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे सेक्रीफाइस करके वो अपने इच्छाओं को पूरी नहीं करके बच्चों की हर विश को पूरी करके उनको एक ऐसा पोजिशन देने के लिए उन्होंने वो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं. तो बच्चों का क्या फर्ज बनता है कि उन्हें रेस्पेक्ट और सम्मान देना चाहिए. Many children rise to a high position in later life because of education given to them by their parents. Parents जो बच्चों को education देते हैं उनकी वजह से कभी कभी बच्चे बहुत ही अच्छा position achieve करते हैं. Their parents instead remain in the simplicity of their former position. मतलब कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स उनके बच्चे बहुत जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स अगर कोई फार्मर है तो वो उसी तरह रहना चाहते हैं. वो ऐसा नहीं है कि उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन बदल जाता है, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं. इवन इन सच केसेस दिस चिल्ड्रन शुड कंसिडर देयर पेरेंट्स गुड इनफ टू मीट एनीवन इन द वर्ल्ड. ऑल ऑफ अस विदाउट एक्सेप्शन हैव ड्यूटीज टूवर्ड्स आर पेरेंट्स. हमारे मतलब कोई बिना कुछ सोचे हमारी ड्यूटीज पेरेंट्स के लिए जो होती है वो हमें करना चाहिए. यूजली द फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर देम कम्स नेचुरली बिकॉज ऑल पेरेंट्स आर देमसेल्व्स वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट. बट इवन इन रेयर केसेस वेर द फादर और मदर इज नॉट लविंग, वी ओ रेवरेंस टू देम.
Therefore, to insult one's parents, to refuse them help in their need, to cause them sorrow or anger is wrong. Child disobedience is most cases is due to thoughtlessness, forgetfulness or carelessness. Parents understand this to great extent and have patience with the children. Means कभी कभी बच्चे मतलब बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे पेरेंट्स को भी दुख होता है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो बच्चे, कई बार पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते बट वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. द हैबिट ऑफ डिसोबीडियंसी कैन बी डिजास्ट्रस. चिल्ड्रन हु डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स कैन नॉट प्रॉफिट फ्रॉम द एडवाइस एंड गाइडेंस गिवन बाय देम. Some children are unfortunate in losing their parents in early life. कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत जल्दी अपने parents को खो देते हैं. These children must give love, respect and obedience to those who take the place of their parents. वैसे बच्चों को हमेशा जो उनकी टेक केयर करते हैं सच बहुत अच्छे से करते हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए. Our parents, the bond between a parent and his children is one of the strongest in this world. Our parents have the greatest share in shaping our destiny and our future. This is very important line कि हमारे जो parents होते हैं वो हमारे future और हमारे भविष्य को बनाने में सबसे important person होते हैं. That's why we should always respect him, always love him, love them. A child should have the confidence to run to his parents in the hour of need. For example, when Mrs. Ketki heard that her son was missing in the Indo-Pak conflict in Kargil, she cried very much. एक person थी Mrs. Ketki, उनका एक बेटा था जो Indo-Pak इसमें war में वो शहीद हो गया. वो बहुत रोई. सी रिपीटेडली वेल दैट सी वांटेड हर सन फॉर जस्ट 2 मिनट्स इन हर आर्म्स. मतलब वो सिर्फ इतना चाहती थी कि बस 2 मिनट वो मेरे पास आ जाए और मुझसे गले लग ले. मेनी मंथ्स लेटर व्हेन द चांसेस ऑफ द रिटर्न ऑफ द मिसिंग सोल्जर्स डिमिनिस्ड, अ फ्रेंड आस्क्ड हर व्हिच 2 मिनट्स ऑफ हर सन लाइफ सी वांटेड टू गेट बैक. मतलब अगर आप का बेटा होता तो आप क्या चाहते. तो उन्होंने क्या कहा, द लेडी थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड द बेस्ट 2 मिनट्स ऑफ माय सन्स लाइफ वेर दोज मोमेंट्स व्हेन एज अ चाइल्ड ही केम फ्रॉम द गार्डन एंड सेड मदर फॉरगिव मी आई हैव बीन नॉटी टुडे. माँ मुझे माफ कर दो, आज मैंने कुछ शैतानी कर ली. हु विल डिनाई that the best moment of our lives are those in which we go to our parents and tell them we have not done so well on that day but that we will try to do better in future. means jo parents hote hain, agar bacche lakh galti bahut sari galtiyan kar le lekin fir bhi agar wo parents ke paas aakar सॉरी बोलते हैं तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो गया. दैट्स द वेरी बिग मैटर. ओके.